जयपुर के शाहपुरा कस्बे के अजीतगढ़ रोड स्थित सरकारी अस्पताल के सामने एक सिरफिरे युवक ने आधा दर्जन लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत होने पर तीन जनों को रेफर किया गया। हमले में गंभीर रूप से घायल एक की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सिरफिरे युवक की जमकर पिटाई कर दी और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ कर दी। गुस्साए ग्रामीणों ने चिकित्सकों और पुलिस के साथ भी मारपीट कर दी। मारपीट में दो चिकित्सक व एक पुलिसकर्मी के चोट आई है। मामला बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी मनोज सैनी शाहपुरा के उपला बाड़ का रहने वाला है, जो नशे का आदि बताया जा रहा है। आरोपी मनोज को पुलिस ने एक दिन पहले ही शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को जमानत पर रिहा होने के बाद मनोज चाकू लेकर सरकारी अस्पताल के बाहर पहुंच गया। इस दौरान उसने यहां से गुजर रहे लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को जो भी मिला उसी पर चाकू से हमला कर दिया। तो पुलिसकर्मी और चिकित्सक इसमें घायल हुए, मौके पर भारी पुलिस जाप्ता फिलहाल तैनात है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता कृपाल। कृपाल, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? जी सौरभ, मैं बता दूं, ये देर रात का जो मामला है, जो सरखिरे जो इस युवक ने करीब आधा दर्जन से भी लोग अधिक को चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं एक लोग तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, उनको जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं एक युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जी, तो अभी पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है और आरोपी को अभी कहां पर रखा गया है? आरोपी को क्या लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं अब जो आरोपी है, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग को लेकर लोग धरने पर भी बैठे हैं अभी मौके स्थिति पर। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल इस तमाम जानकारी के लिए।